हावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करें AGR इंफ्रा के बारे में, कंपनी के बारे में। ये बात जान लो, देख लो पूरी जन्म कुंडली, आज तक आपको किसी ने नहीं बताएगी अगर बाय किया है तो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में AGR इंफ्रा का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखो, 155 करोड़ की कंपनी। स्टॉक पे रेशो कुछ नहीं है, ROE 50 है, ROE कुछ नहीं है। डेप्ट है 113 करोड़ का, केस भी नहीं है, 924 करोड़ माइनस में है, तो डेप्ट बहुत ज़्यादा है, एक रुपये केस नहीं है, ध्यान रखना। पूरा शेयर इसका गिरवी है, मतलब प्लीज है। और यहाँ पर देखो 20% की हिस्सेदारी है प्रमोटर के पास में। DI वाले 7-8 है, FI वाले 10% है। वॉल्यूम भी हो रहा है, अर्निंग पर शेयर 9.80 रुपये माइनस में है। करंट एसेट है 179 करोड़ का, 180 करोड़ मान लो। लाइब्रिटीज है, ओ माय गॉड, 3261 करोड़ की। क्वार्टर सेल्स ग्रोथ सब माइनस में है और बुक वैल्यू माइनस में है। देखो दोस्तों, कंपनी कोई कंपनी नहीं, एकदम वीक है, एकदम कचरा है, एक रुपये केस नहीं है। मार्केट कैप जितना है, इस पर डेप्ट है, एक रुपये केस नहीं है, रिजर्व माइनस में है, पूरी कचरे से लिप्त है, कर्जे हैं 3261 करोड़ के, तो कर्जे मतलब कोई कंपनी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। देख लिया, थोड़ी डिटेल वो ले लेते हैं। देखो दोस्तों, ये 1.60 रुपये, 1.65 रुपये, यहीं पर क्लोज कर रहा है, यहीं पर ट्रेड कर रहा है। और काफ़ी कंपनी है जो क्रेश भी हो गई है, ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 100% इसका शेयर प्लीज है, तो आपके पास में ये स्टॉक है तो भैया देखो, निकलने की कोशिश करना है। लेकिन लाखों रुपए लगा रहे हो गलत है, 100-200 रुपये सीखने के लिए लगा सकते हो, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं लगाना है। क्योंकि कंपनी का देखो पूरा शेयर तो गिर हुई है और सब कुछ इसका दलदल है, कचरा है, कचरे से लिप्त है, प्रमोटर भाग गए है ही नहीं है, मान लो नाम मात्र किए, FI वाले नहीं है। और देखो रेवेन्यू कुछ हो नहीं रहा है, देखो 18-19 के बाद में कोई रेवेन्यू का रिकॉर्ड नहीं है। तो मतलब इस कंपनी से आप निकल जाते हो तो अच्छी बात है। 2018 में मंगल ग्रह के प्राणी है छोड़ के भाग गए थे, तो आपके पास में ये शेयर है ऊपर के लेवल में, तो एवरेज करके आप एग्जिट होना चाहो और लॉन्ग टाइम के लिए अगर रखना चाहते हो तो 100-200 रुपये लगा सकते हो बस। अब आप सोच रहे हो, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल एकदम वीक है दोस्तों, पूरी कंपनी है तहस नहस हो गई है, पूरी क्रेज हो गई है, तो क्या रिटर्न निकाल के दे देगी। आप यहां पर देख सकते हो, जितनी कंपनी नहीं है उससे ज्यादा तो कर्जे है भाई, 155 करोड़ की कंपनी है, बट इस पर कर्जे हैं 3261 करोड़ के, यानी अपने मार्केट कैप से 5-10 गुना ज्यादा तो इस पर कर्जे हैं। तो कर्जे ही नहीं चुका पाएगी तो रिटर्न कहां से निकाल के देगी, ये बताओ ना। और ऊपर से डेप्ट, 1 रुपये केस नहीं है, सेल्स ग्रोथ है 100%, पूरा शेयर किसी ने गिरवी रख रखा है किसी महान हस्ती के पास में, बुक वैल्यू माइनस में, आज तक रिटर्न निकाल के नहीं दिया, तो कंपनी एकदम वीक है। आप पैसे लगा रहे हो, गलती कर रहे हो, 100-200 रुपये भी लगाना मेरे ख्याल से गलत है। बट यहाँ पर एंट्री ले लेते हो, 100-200 की अलग बात होती है दोस्तों, बट हज़ारों लगा रहे हो, लाखों लगा रहे हो, मेरे ख्याल से अवॉइड करनी है। फिर भी देखो आई स्टडी, मैं किसी को बाय और सेल करने के लिए नहीं बोलता, आप भी देख लेना आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वीडियो नहीं नॉलेज के हिसाब से, बट आप खुद ही स्टडी कर सकते हो। जिस कंपनी में इतना कचरा हो, इतना डेप्ट हो, वो क्या रिटर्न निकाल के दे देगी। थैंक यू।